उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही युद्ध घोष हो चुका है और बीजेपी अपने अस्त्रों शस्त्रों को धार देने में जुट चुकी है। सूबे में पश्चिमी यूपी की राजनीतिक अहमियत काफी अहम है और इस बार लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाएगा। साथ ही सत्ता की चाबी वापस पाने के लिए बीजेपी की सारी उम्मीद इसी पश्चिमी यूपी पर आकर टिक गई है। बीजेपी इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसी को लेकर बीजेपी ने आक्रामक अभियान छेड़ा हुआ है। शनिवार को पार्टी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी में दिखाई दिए। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। 26 जनवरी को अमित शाह ने जाट नेताओं से बात की और इसके बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता दौरे कर रहे हैं। घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियां सीधे जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोला और माफिया राज गुंडा राज कहकर सपा सरकार की कमियां गिनाई। उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच बन जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई मित्रों। और ये रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% कर करीब करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए बरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद नड्डा ने बरेली की महानगर कॉलोनी में घर घर जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में लोगों को बताया। इन दो दिग्गजों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बागपत में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और प्रदेश की जनता को कोरोना की लहर के प्रति आश्वस्त किया। आज जब थर्ड वेव आ ही गई, तो इस थर्ड वेव को देखते हुए यह नियंत्रण में है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, हम उसका पालन करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग बहुत शीघ्र थर्ड वेव पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको बता दें कि 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस प्रदर्शन को दोबारा दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी जाट मुस्लिम समीकरण बैठा रही है, तो बीजेपी 80 बनाम 20 के मंत्र के साथ सियासी गोल करने की फिराक में है। आईएनएस रिपोर्ट।